engine dismantling, cylinder head. स्टार्टर मोटर को बैटरी अर्थ केबल के साथ निकालिए। स्पार्क प्लग को ढीला कीजिए। सिलेंडर हेड को इंजन से अलग कर लेने के बाद स्पार्क प्लग को ढीला करना मुश्किल हो सकता है और इससे सिलेंडर हेड की मेटिंग सरफेस को क्षति भी पहुंच सकती है। सिलेंडर हेड कवर बोल्ट को खोलकर रबर माउंट और सिलेंडर हेड कवर को निकालिए। रबर गैस्केट को सिलेंडर हेड कवर से अलग कीजिए। ओर रिंग को एएसवी गैलरी के कॉलर से निकालिए। सिलेंडर हेड कवर को नरम सतह पर रखिए। डबल पिन और ओ रिंग को कैमशाफ्ट होल्डर की ऑयल गैलरी से निकाल लीजिए। फ्लाई व्हील नट इंस्पेक्शन होल कैप और ओ रिंग को निकालिए। टाइमिंग इंस्पेक्शन होल कैप और ओ रिंग को निकालिए। अब फ्लाई व्हील को घुमाकर फ्लाई व्हील पर बने टी के निशान को टाइमिंग इंस्पेक्शन होल पर बने इंडेक्स के निशान से मिलाते हुए पिस्टन को कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पर लाएं। फ्लाई व्हील को हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। ये सुनिश्चित करें कि कैम स्प्रॉकेट पर बनी स्क्राइब्ड लाइन सिलेंडर हेड की ऊपरी सतह के समानांतर हो और ओ मार्क एग्जॉस्ट की तरफ हो। अब लिफ्टर असेंबली टेंशनर से पैन स्क्रू और ओ रिंग को निकालिए। पैन स्क्रू को ढीला करने के लिए हमेशा इंपैक्ट ड्राइव का प्रयोग करें। टेंशनर को ढीला करने के लिए टेंशनर शाफ्ट को स्टॉपर टूल की सहायता से घड़ी की दिशा में घुमाएं और इसी अवस्था में रखने के लिए स्टॉपर टूल को पूरी तरह से टेंशनर में डाल दें। लिफ्टर असेंबली टेंशनर के टेंशनर शाफ्ट को ज्यादा ना कसें, इससे टेंशनर शाफ्ट को क्षति पहुंच सकती है। फ्लाई व्हील नट को पकड़कर कैम स्प्रॉकेट बोल्ट खोलें। कैम स्प्रॉकेट बोल्ट निकालने से पहले ये सुनिश्चित करें कि कैम चेन तनाव मुक्त हो। बोल्ट निकालते समय ध्यान रखें कि बोल्ट सिलेंडर में न गिर जाए। कैम स्प्रॉकेट को कैम शाफ्ट से निकालें। कैम स्प्रॉकेट को कैम चेन टेंशनर और गाइड पर रखिए। कैम शाफ्ट स्टॉपर प्लेट बोल्ट को ढीला करें। अब रॉकर आर्म शाफ्ट लॉक बोल्ट्स को ढीला करें। कैम शाफ्ट होल्डर को निकालने के बाद कैम शाफ्ट स्टॉपर प्लेट बोल्ट और रॉकर आर्म शाफ्ट लॉक बोल्ट्स को ढीला करना मुश्किल हो सकता है और इससे कैम शाफ्ट होल्डर को क्षति भी पहुंच सकती है। सिलेंडर हेड स्पेशल नट को खोलने से पहले सिलेंडर हेड पर लगे सिलेंडर हेड साइड बोल्ट्स को ढीला करिए। साइड बोल्ट्स को ढीला किए बिना सिलेंडर हेड स्पेशल नट्स को ढीला करने पर सिलेंडर हेड की मेटिंग सतह में विकृति आ सकती है या सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है। कैम शाफ्ट होल्डर स्पेशल नट्स को क्रिस क्रॉस प्रक्रिया से ढीला करें और उसके बाद स्पेशल नट और वॉशर को निकालिए। कैम शाफ्ट होल्डर को सिलेंडर हेड से निकालकर
नरम सतह पर रखिए। सिलेंडर हेड साइड बोल्ट्स को निकालिए। अब सिलेंडर हेड को निकालिए और उसे साइड की ओर से नरम सतह पर रखिए।